आर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो की सीरीज को। जी हाँ, चैप्टर रहेगा दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। पहले उसके कंसेप्ट देखेंगे दोस्तों, फिर उसके न्यूमेरिकल देखेंगे और फाइनली उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों कैश के ऊपर। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों, कैश एक वर्ड है, कैश एक वर्ड है, फ्लो और स्टेटमेंट। पहले कैश वर्ड को ही समझते हैं दोस्तों। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में लगता है प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को डील करता है। और उसमें कैश का मतलब क्या है, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर ही मैं स्टेटमेंट को समझाऊंगा एग्जैक्टली। पहले कैश का मतलब समझते हैं कैश फ्लो के लिए क्या है। पहली चीज इसमें आती है दोस्तों कैश, रॉ कैश, जिसे करेंसी, नोट्स, कॉइन्स वगैरह वगैरह कहा जा सकता है। दूसरी चीज पर अगर दोस्तों मैं बात करूं, बैंक में जो पैसे पड़े हैं वह भी आपका कैश ही है। तीसरी चीज पर दोस्तों मैं बात करूं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये क्या होती हैं? ऊपर वाली दोनों चीजें तो आपको पता ही है क्या होती हैं। ये तीसरी चीज क्या है? ये तीसरी चीज प्यारे दोस्तों ये क्या होती है, अगर हम किसी भी प्रकार से हमारे पास कुछ एक्सेस पैसा पड़ा है और हम थोड़े समय के लिए उसको मार्केट में लगा दें और कभी भी उसको निकाल सके, उसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। जनरली ये 3 महीने तक का इसका टाइम पीरियड होता है, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 1 साल से तो कम ही रहना है। करंट इन्वेस्टमेंट और इसमें यही फर्क है कि ये जल्दी जल्दी एक तो रिकवर हो जाती है, बहुत जल्दी जब हम चाहें जब पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, जल्दी इसका पीरियड 3 महीने रहता है क्योंकि करंट एसेट का पीरियड विद इन 12 महीने होता है। चौथी चीज, अगर आपका किसी भी प्रकार से स्मॉल डिपॉजिट विद बैंक है, कोई छोटा मोटा डिपॉजिट करवा रखा है आपने बैंक के पास कि आप जल्दी से जल्दी उसको कवर कर सके, और बैंक को भी आपने बोल रखा है कि हमें इंटरेस्ट की इतनी कोई खास चिंता नहीं, कि हमें इंटरेस्ट कम दे दीजिएगा लेकिन जब हमें पैसा चाहिए तो हम उस पैसे को निकाल सके। तो दोस्तों पहली बात तो कैश का मतलब ये होता है। कैश का मतलब सिर्फ वो कैश नहीं जो आप सभी, हम सभी बाकी सभी चैप्टर्स में कंसीडर करते हैं। अगर मैं बोलूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या मैं सिर्फ वर्ड बोलूं कैश, तो उसका मतलब दोस्तों पूरे चैप्टर में इन 4 चीजों से रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सारे के सारे कंसेप्ट को समझेंगे, ये क्यों बनानी चाहिए, क्या इसका फायदा होता है। सबसे पहली बात पहले दोस्तों, आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनती है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप इसे भी जानते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बोल देते हैं हम सिंपल भाषा में, अपनी बैलेंस शीट बोल देते हैं, तो बैलेंस शीट। और तीसरी टर्म कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी हां दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, यही हमारी चर्चा है। पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सभी होती है उसका एक पार्ट है, तो हर बिजनेस को बनानी भी पड़ेगी। क्यों बनानी है, क्या कारण है, उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कैश का मतलब आप समझे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो के ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है, ठीक है जी। उसके बाद फ्लो स्टेटमेंट, फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे नदी बहती है दोस्तों वैसे ही फ्लो का मतलब है किस प्रकार से कैश बाहर गया या आया। फ्लो दो तरीके के होते हैं प्यारे दोस्तों, इनफ्लो और आउटफ्लो। जब पैसा बाहर जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों आउटफ्लो, जब पैसा आता है उसे बोलते हैं इनफ्लो। पैसा किसी भी प्रकार से आ सकता है, किसी भी प्रकार से जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सेल करेंगे तो आपका पैसा दोस्तों इन होगा, अगर आप परचेज करेंगे तो आपका पैसा तब भी क्या होगा दोस्तों आउटफ्लो हो जाएगा। आप पैसा देंगे तभी सामान खरीदेंगे, जी हां। इधर क्या होगा, अगर आप पैसा दोस्तों अगर सेल करोगे तो पैसा आएगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं यहां पर आपको, बड़ी सिंपल सी बात है, आप इशू कर रहे हो शेयर, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर को इशू करोगे प्यारे बच्चों तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। रिडम्पशन करोगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर लेते हैं शेयर क्योंकि कभी कम ही क्या होते हैं रिडीम होते हैं, रिडम्पशन करोगे तो यहां पैसा चला जाएगा। तो पैसा किसी भी प्रकार से आए और किसी भी प्रकार से जाए प्यारे दोस्तों, तो उसे हम बोलेंगे फ्लो। और दो तरीके का फ्लो हो सकता है, एक होगा इनफ्लो और एक होगा प्यारे दोस्तों आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या है, पैसे का आना और पैसे का जाना।
अगली थर्ड वर्ड पर पहुंचते हैं। थर्ड वर्ड है दोस्तों स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट का मतलब बहुत सिंपल होता है कि एक डिफाइंड वे में, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में सिर्फ आप ये बता दें कि आपके पास कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। तो तीनों वर्डों का अगर मैं जोड़ लगाऊं दोस्तों तो क्या बना कि कैश, कैश में सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस वीडियो के बाद जितने भी पार्ट आएंगे जब भी मैं कैश बोलूंगा इट मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्यारे दोस्तों क्या मतलब है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है बहुत सिंपल सा, जिसपे कैश आएगा, बैंक आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगी और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं आप। कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, कितना पैसा हमारे पास से जा रहा है, उसे बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्यारे दोस्तों क्या कैश अकाउंट ये नहीं बता सकता कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है? बिल्कुल बता सकता है। तो इस अकाउंट की क्या जरूरत पड़ गई कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ रही है? देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। आप बिल्कुल सिंपल सी बात से समझिए कि आप एक क्रिकेट का मैच देखने गए, आप एक क्रिकेट का मैच देखने गए और उसकी फीस थी 5,000 रुपए। आप उसको बहुत इजीली बियर कर लेंगे। क्यों बियर कर लेंगे? क्योंकि आपके हॉलिडे पैकेज थे, आपने पूरे साल सेविंग की थी और उसमें से आपने 5,000 रुपए साइड कर लिए। ठीक है जी, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आपके चल रहे हैं एग्जाम, आपके पेरेंट्स ने आपको 5,000 रुपए दिए। अब 5,000 रुपए फीस के लिए दिए, कोचिंग के लिए दिए, अब आप क्या इनको यहां लगाएंगे जो क्रिकेट का मैच देखने गए हैं? आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इन पैसों को यहां लगाएं? हर एक चीज का एक समय होता है, हर एक चीज का, गर्मी में गर्मी के कपड़े अच्छे लगते हैं, सर्दी में सर्दी के कपड़े अच्छे लगते हैं, इसी प्रकार से हर एक चीज का एक समय है। हर एक समय पैसा कहां से कहां निकलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इस बात की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि पैसा किस चीज के लिए खर्चा गया। दोनों चीजों में फर्क समझिएगा। अगर मैं कोई भी सामान परचेस करता हूं, एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मेरी दुकान में कोई भी स्टॉक नहीं बचा, और मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक तो मैं स्टॉक परचेस करके ले आऊं 1,00,000 रुपए का, मेरे को 1,00,000 रुपए ही खर्च कर सकता हूं मैं, या मैं मशीन परचेस कर लूं जबकि मेरे पास एक मशीन है। तो आप कहेंगे इसका ऑब्वियस आंसर है कि आपको स्टॉक परचेस करना चाहिए क्योंकि आपकी दुकान में स्टॉक की कमी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दोस्तों आपको एक्टिविटीज बांट के बताता है कि किस एक्टिविटी में पूरे साल के दौरान आपने कितना पैसा लगा दिया, देखिए सिंपल सी बात करूंगा, ये रहा दोस्तों मेरा पहला, दूसरा और तीसरी एक्टिविटी, क्योंकि मैं बेसिक को क्लियर करते हुए आपको न्यूमेरिकल्स पर लेकर जाऊंगा, बहुत ही ज्यादा डीप प्रैक्टिकल्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो देखिए जल्दी जल्दी, सबसे पहले दोस्तों ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी होती है फाइनेंसिंग। ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती है जो बिजनेस की डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो आपकी सेल एंड परचेज ऑफ स्टेशनरी आप डेली करेंगे, मेजर बिजनेस का कोर्स होता है वो, आपकी ऑपरेटिंग है। अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं तो आप गारमेंट को खरीदेंगे, बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सेल करेंगे, ये आपकी ऑपरेटिंग है। अगर आपकी नाई की दुकान है, सिंपल सी बात करता हूं, तो आप सेल परचेज क्या करेंगे, आप बाल काटेंगे, डेज टू डे बाल काटेंगे, जो आपकी शेविंग क्रीम्स होंगे उनको परचेज करेंगे। और किसी भी प्रकार से कोई भी दुकान है, अगर समोसे वाले हलवाई की बात करूं तो स्वीट्स और मिठाइयां जो हैं और समोसे वगैरह ये चीजें सेल करेगा। लेकिन दोस्तों क्या जो हमने पहली एग्जांपल ली स्टेशनरी, अगर बिजनेस में एसी आ रहा है, और एक बिजनेस में उस स्टेशनरी का बिजनेस, एग्जाम्पल हम स्टेशनरी के बिजनेस ले रहे हैं, और बुक्स और नोटबुक्स खरीदी जा रही है, आपको इनमें कोई फर्क दिखता है दोस्तों? बुक्स खरीदने में और एसी खरीदने में कोई फर्क दिखता है? जी हाँ, क्या फर्क है? ये दोस्तों बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जो मेरा मेन कोर्स है, मेन काम है, उसके लिए किया गया काम है। ये क्या है दोस्तों, एसी क्यों चाहिए? एसी इसलिए चाहिए क्योंकि कस्टमर आता है, कस्टमर आके खड़ा होता है तो उसे गर्मी लगती है तो हमारी दुकान से चला जाता है।
मतलब कुछ ना कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है हर एक बिजनेस को। कोई बिजनेस को तो मशीनरी में, स्टेशनरी का बिजनेस है तो ऑब्वियसली गलत बात है कि मैं बनी बनाई चीजें लेके आता हूं और बेचता हूं, तो मुझे कोई खास मशीनरी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो मैं ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करूंगा। लेकिन क्या करूंगा दोस्तों, हमेशा 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 ही मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा, स्टेशनरी पे काउंटर जो मेरा होगा, काउंटर होगा, फिटिंग होगी, जो भी मैंने स्टेशनरी की दुकान में फिटिंग करवाई है, फर्नीचर वो होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल को कोट करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। फिर उसके बाद दोस्तों पैसा कहां से आएगा, देखिए पैसा कहां से आएगा वही होता है फाइनेंसिंग, वही एक्टिविटी का नाम होता है फाइनेंसिंग। अभी इनको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, उसी एक्टिविटी का नाम होता है प्यारे दोस्तों फाइनेंसिंग। पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, मेरी जेब से आएगा, मैं कौन सा कंपनी हूं, ऑनर कैपिटल लगाएगा प्यारे दोस्तों, वो रहेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हर बिजनेस का ये कंसेप्ट सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हर एक बिजनेस की ये एक्टिविटीज अलग होती हैं। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों अब किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, आपको बेसिकली ये समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब है। जो वो बिजनेस का मेन कोर्स होता है, मेन काम होता है, उसे हम ऑपरेटिंग कहते हैं। जो बिजनेस एसेट्स खरीदता है, जो फाइनेंशियल नेचर के बेनिफिट क्रिएट करने के लिए एसेट्स खरीदी जाती हैं, वो इन्वेस्टिंग में आती हैं। और इन सब के लिए जो पैसा, चाहे वो ऑपरेटिंग के लिए, चाहे वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के लिए जो पैसा आता है, उसे हम फाइनेंसिंग बोलते हैं। ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल स्टेशनरी की एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। अब मैं एक कंपनी के ऊपर आता हूं दोस्तों, आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, उसमें से आपको इस चीजों की कैपेबिलिटीज करवानी शुरू करूंगा। आप मुझे ये बताइए दोस्तों, एक कंपनी है, आप सभी उसका नाम जानते हैं, रिलायंस, रिलायंस नाम की कंपनी है, रिलायंस नाम की कंपनी, और एक और कंपनी ले लेते हैं, टाटा कंपनी ले लेते हैं पहले दोस्तों, टाटा नाम की कंपनी लेते हैं क्योंकि ये ट्रक बनाती है तो ऑटोमेटिकली इसका एग्जांपल समझेंगे। रिलायंस को अभी रहने देते हैं, अगले एग्जांपल में लाएंगे। टाटा, तो टाटा का आप सभी जानते हैं ट्रक बनाया जाता है टाटा में, तो टाटा का ऑपरेटिंग काम क्या है। अब टाटा के बहुत भी और सारे भी काम है, टाटा नमक वगैरह वगैरह, हम सिर्फ टाटा ट्रक्स की बात कर रहे हैं या टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं। तो टाटा ट्रक बनाती है, अब दोस्तों ट्रक को बाय और सेल करना, बाय और सेल करना कि ठीक है पुराने ट्रक हैं तो उनको मॉडिफाई करके भी बेच देंगे, ऐसा भी काम टाटा करती है। बाय और सेल करना, क्या आपको लगता है क्या रहेगा ये बिजनेस में, ये ऑपरेटिंग रहेगी कि नहीं, उनका मेन काम है कि नहीं टाटा मोटर्स का, आप कहोगे बिल्कुल है। लेकिन क्या ये स्टेशनरी वाला अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चलो स्टेशनरी की छोड़ते हैं, गारमेंट वाला जो क्लोथ बनाती है कंपनियां, वो अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए अगर ट्रक खरीदे तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ट्रक खरीदे या बेचे तो क्या वो ऑपरेटिंग होगा। दिमाग पर सिंपल सी एक पॉइंट लाके देखिए कि इसका तो ट्रक बनाने का, बेचने का, खरीदने का काम बनता है टाटा मोटर्स का, लेकिन दोस्तों और कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस होगा वो ट्रक को मेजरली एसेट के तौर पर लेके आएगा। मेजरली किस तौर पर रखेगा प्यारे दोस्तों, एसेट के तौर पर। तो एक फर्क यहां है, किसी भी बिजनेस के लिए ट्रक खरीदना एसेट के फॉर्म पे काम कर रहा है तो वो इन्वेस्टिंग है, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए वो ऑपरेटिंग है। तो ये चीजें, इन तीनों एक्टिविटीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको दोबारा मीनिंग पर लेकर चलूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ठीक है दोस्तों। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं, अगर वो ट्रक बनाएगी और उसको बेचेगी तो दोस्तों वो उसकी ऑपरेटिंग है, लेकिन ट्रक बनाने के लिए मैंने मशीन खरीदी जो ट्रक को असेंबल करती है, तो जो मशीन ट्रक को असेंबल करती है प्यारे दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या होगी, क्या वो आपकी एसेट बनेगी कि नहीं बनेगी। आप कहेंगे क्वाइट ऑब्वियस, अगर हमने खर्चा किया है तो एसेट बनेगी। जी हां, एसेट बनी तो वो इन्वेस्टिंग, जी हां वो एसेट बनी तो इन्वेस्टिंग। अब मैं फ्लो के साथ भी आपको लेके चलता हूं। अब अगर आपने मशीन खरीदी प्यारे दोस्तों, तो पैसा आया कि गया, आप ऑब्वियसली बात है पैसा गया और हमारे पास मशीन आई, तो ये कौन सा फ्लो हुआ, आउटफ्लो, ये कौन सा फ्लो हुआ, आउटफ्लो। चलिए आगे बढ़ता हूं, पैसा कहां से आया टाटा के पास, कहां से पैसा ला रही है टाटा, टाटा मोटर्स के पास पैसा प्यारे दोस्तों कहां से आया ये बताइए। चलो मैं बताता हूं कैसे पैसा आया। सबसे पहले जब टाटा बना होगा, क्वाइट ऑब्वियस आप सभी भी जानते हैं कि इक्विटी कैपिटल, एक कैपिटल होती है इक्विटी शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने शेयर कैपिटल पढ़ा होगा कि कैपिटल या तो लोगों से लिया होगा, टाटा ने खुद थोड़ा पैसा लगाया होगा, कुछ लोगों से लिया होगा,
या दूसरी बात दोस्तों क्या होगा, लोन लिया होगा, डेप्ट कैपिटल। क्या होगा? डेप्ट कैपिटल। डेप्ट कैपिटल का मतलब उधार। उधार कैसे हो सकता है? उधार डिबेंचर्स की फॉर्म में हो सकता है, पब्लिक से उधार ले लें, पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में हो सकता है, तीसरा बैंक से भी हो सकता है। तो पैसा कहां से आएगा दोस्तों? दो ही जगह से पैसा आएगा, या तो मालिक का अपना पैसा जिसे ऑनर बोला जाता है, या डेट का पैसा। डेट के पैसे का मतलब क्या है दोस्तों? उधारी का पैसा। तो अब आप तीनों एक्टिविटीज में एक फर्क तो करना जान गए होंगे कि किस एक्टिविटी को हम ऑपरेटिंग कहते हैं, किसे हम फाइनेंसिंग कहते हैं, किसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग वो जो मेरा मेन काम है, हर एक बिजनेस का अलग अलग मेन काम हो सकता है, तो इसलिए वो ऑपरेटिंग अलग अलग हो सकती है। इन्वेस्टिंग, एसेट खरीदना, आप बिजनेस की जो भी एसेट खरीदी जाएगी दोस्तों या बेची जाएगी वो इन्वेस्टिंग का पार्ट, और पैसा कहां से आएगा वो फाइनेंसिंग का पार्ट। अब देखिए दोस्तों, दोबारा से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाने से पहले, सारी चीजों को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूं, और आपको पुराने फॉर्मेट में दिखाता हूं, फिर नए की बात करूंगा। पुराने फॉर्मेट में क्यों दिखाना चाहता हूं? क्योंकि इस फॉर्मेट को आप ज्यादा समझते हैं बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि आपने पार्टनरशिप में यही बैलेंस शीटें बनाई हैं, कंपनीज अकाउंट में आप इतनी बैलेंस शीट नहीं बनाते। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं करंट एसेट नहीं यहां लिखते, नॉन करंट एसेट लिखते हैं प्यारे दोस्तों। नॉन करंट एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट। ये लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां फिक्स्ड एसेट, एफ ए लिख रहा हूं फिक्स्ड एसेट को। इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पर दोस्तों क्या क्या आता है? मशीन आ जाती है, मशीन के बाद फर्नीचर आ जाता है। ठीक है जी, दो दो ही लिखते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने समझना है करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहला काम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कैश, उसके बाद बिल रिसीवेबल। ठीक है जी, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। करंट लाइबिलिटी लिखता हूं दोस्तों, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? क्रेडिटर आ जाते हैं, ठीक है, बिल्स पेबल आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, उसके बाद कैपिटल। ये हमारी सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट होती है, कैपिटल। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल से, ध्यान से मैं बता दूं, आप सिंपल सा ही फंडा कैश फ्लो में फॉलो कर लीजिएगा और सीधा सीधा काम हो जाएगा। ये रही दोस्तों आपकी इन्वेस्टिंग, इसके अलावा इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं होता, एक भी पॉइंट इन्वेस्टिंग का इसके बाहर नहीं जाएगा। ये रामबाण दे रहा हूं मैं आपको, सारी सारी दवाइयां, सारी बीमारियों की दवाई यही है। आप देखिए, इन्वेस्टिंग हमेशा कहां से निकलेगी? यहां से। ये कहां से निकलेगी दोस्तों? ये क्या है? ये है फाइनेंसिंग। ये क्या है? फाइनेंसिंग। पैसा कहां से आएगा? तो अगर मैं आपको पुरानी बैलेंस शीट में इसलिए दिखा रहा हूं, अभी नई भी बना के दिखाऊंगा, ताकि आप कंपेयर कर सकें और अपने दिमाग में अच्छी सेटिंग बिठा सकें। फाइनेंसिंग, हमेशा पैसा कहां से आ रहा है? तो वो कैपिटल फाइनेंसिंग है। उसके बाद दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप देखिए, ये रही हमारी तीसरी, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, इसे ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग। जो बिजनेस चल रहा है वो, ये कौन सी एक्टिविटी होगी दोस्तों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। ये कौन सी एक्टिविटी होगी? ये हो गई दोस्तों हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ इतना कैश फ्लो है, डरने की क्या बात है जब हमारे पास रामबाण है। रामबाण मारेंगे सिंपल, जो भी फिक्स्ड एसेट होंगी याद कर लीजिए, नहीं याद करना तो बेसिक हमने लॉजिक समझ लिया है, जो भी फिक्स्ड एसेट होंगी वह हमेशा हमेशा इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेंगी दोस्तों। जो भी कैपिटल, कैपिटल का मतलब जो भी पैसा कैपिटल में आएगा वो हमेशा फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, और जो भी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में आएगा प्यारे दोस्तों वो हमेशा हमेशा ऑपरेटिंग का पार्ट रहेगा। अब इसको आप वाली बैलेंस शीट, ये कौन सा फॉर्मेट होता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल में नहीं करेंगे दोस्तों, अब तो बैलेंस शीट को हम कौन से फॉर्मेट में पढ़ते हैं? वर्टिकल। कंपनीज अकाउंट जब से हमने बुक शुरू की है तो हम कौन से फॉर्मेट में पढ़ते हैं? वर्टिकल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, अगर वर्टिकल फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो उससे नहीं हम इसको जज कर सकते? बिल्कुल जज करेंगे। फिर लास्ट तक वेट जरूर कीजिएगा, एक बार फिर दोबारा कैश फ्लो की पूरी मीनिंग पर आऊंगा दोबारा वहां से, ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ सके। देखिए, अब आप देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये आपको पता है इस प्रकार से बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के हमेशा दो हेड होते हैं, आप सभी जानते हैं। दो हेड आपके पास होंगे, कौन कौन से हेड होते हैं? आप सभी को याद होगा अच्छे ढंग से कि हमारे पास दो हेड हैं। यहां लिख लेता हूं टोटल, यहां भी लिख लेता हूं टोटल, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को भी कि कौन से हेड कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने अगर एक हेड लिखूं, एसेट साइड से शुरू करता हूं प्यारे दोस्तों। पहला हेड, दो ही हेड होते हैं एसेट साइड में, नॉन करंट। इनके सब हेड नहीं लिख रहा दोस्तों, क्योंकि जब क्वेश्चन होंगे तो सारी बातें आ जाएंगी उनमें। नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा हेड रहेगा हमारा
करंट एसेट्स। ठीक है दोस्तों, वही 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 सेम बैलेंस शीट है, आप ये दोनों हिस्से यहां लगा दिए, जो राइट हैंड साइड पे एसेट साइड के हिस्से थे दोनों नीचे कर दिए और कुछ नहीं किया। बैलेंस शीट से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये रही हमारी दोनों वैल्यूज। ऊपर हमारे पास क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है जी, अब इसमें सबसे पहला हेड आप सभी जानते हैं क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। दूसरा हेड क्या होता है, शेयर होल्डर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इग्नोर कर रहा हूं उस हेड की, कोई जरूरत नहीं है हमें पूरे चैप्टर में, ना कुछ आएगा। थर्ड हेड पर पहुंचता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो उसके बाद दोस्तों चौथे हेड पर पहुंचूंगा प्यारे दोस्तों, जिसका नाम है करंट लाइबिलिटीज। ये देखिए, अब वही चीज मैंने दोबारा बना दी, वही बैलेंस शीट जो मैंने आपको अभी पुराने फॉर्मेट में दिखाई थी वही आपको नए फॉर्मेट में दिखा दी, और आपको बड़े इजीली इस बात का पता भी लग गया, इसीलिए पुराना फॉर्मेट एक बार पहले दिखाया था। तो मैंने आपको क्या समझाया था उसमें, कि जो भी फिक्स एसेट्स होंगी, जो भी फिक्स एसेट्स होंगी वो किसमें जाएंगी, ये पूरा पोर्शन किसका है, फिक्स एसेट का, ये सिर्फ यहीं से इन्वेस्टिंग निकलेगी दोस्तों। जी हाँ, यहीं से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकलेंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा डेट बताया था आपको, आपको क्या बताया था, कि टोटल डेट्स होंगे, जो भी देनदारियां होंगी या तो कैपिटल में होंगी, कैपिटल शेयर होल्डर फंड का मतलब कैपिटल, ये आपकी क्या होती है, कैपिटल पुराने हिसाब से, ये क्या होती है आपकी डेट। इन दोनों को जोड़ देना दोस्तों, पहला और तीसरा, इसमें से निकल जाएगा आपका फाइनेंसिंग, क्या निकल जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, अब कौन सा हेड बचा, देखिए ये तीन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसकी तो क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, इस ये भी हो गया, ये लो इसको भी मैं एक डिब्बे में डाल देता हूं। अब एक येलो डिब्बा बनाऊंगा, देखना ये और ये, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ये क्या होंगी दोस्तों, हमेशा ऑपरेटिंग। अब आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये चीजें ध्यान में रहेंगी, तो बहुत इजी रहेगा। अब आते हैं दोबारा, ये आपको, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा ब्रीफ करके नहीं बताएगा कि मेरा गारमेंट का बिजनेस था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो तो आपको बैलेंस शीट देगा, आपको उसमें से पहचानना है उसकी कौन सी एक्टिविटी कहां है, एक्टिविटीज का क्या रोल है, क्या क्या सेटलमेंट है, अभी उस पर बात करेंगे दोस्तों। अब आएगा मजा कैश फ्लो समझने में, क्यों, क्योंकि अब हमारी बहुत सी चीजें दिमाग में आ चुकी हैं। सबसे पहले देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, ये तीन प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। ये क्यों बनानी पड़ी, देखिए अब इसका रीजन समझेंगे, अब इसका बड़ा सिंपल सा और बड़ा बाइफ्रिकेटेड सा रीजन समझेंगे। मेरा पैसा, कितना पैसा कहां लगा है, कहां से पैसा आता है, कहां जाता है, कहां को जाएगी, कहां से आएगी, यही वाला डायलॉग याद रख लीजिए। तो बड़ा सिंपल, मेरा ऑपरेटिंग में कितना पैसा लगता है मुझे पता तो होना चाहिए, कि ऑपरेटिंग के लिए मुझे पूरे साल में 5 लाख रुपए चाहिए। अगर 5 लाख से कम होंगे दोस्तों किसी भी समय, तो मैं कैसे ध्यान रखूंगा। ऑपरेटिंग के लिए कितने चाहिए, 5 लाख। कहां से पता लगेगा कि मेरा वर्किंग कैपिटल में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा लगता है, मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कि मेरे को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए क्या दोस्तों। अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं अगली प्लान करूं, नहीं तो मुझे कितना करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगली, इससे अगली बात करते हैं फाइनेंसिंग की, कि भाई पैसा आएगा तो आएगा कहां से, पैसा आएगा तो आएगा कहां से, जितना भी पैसा आएगा वो कहां से आएगा, क्या मैं अपनी जेब से दूंगा, क्या मैं किसी से उधार लूंगा, या मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, कहां से लाऊंगा। इसीलिए दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, कि मैं ये जान सकूं मेरा पैसा, कितना पैसा कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, किस चीज के लिए कितना लग रहा है, किस चीज के लिए कितना एक्सेप्टेंस कर ली जा रही है,
कितना पैसा मैं कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितना पैसा मैं किससे उधार लेकर बैठा हूं, कितने पैसे का इनफ्लो हुआ है, कितने पैसे का आउटफ्लो हुआ है, तो ये सभी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें बनाकर दिखाना होगा। यही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो इसी प्रकार से दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है, टोटल कितने इनफ्लोज और आउटफ्लोज हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कितना पैसा इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और कितना पैसा फाइनेंसिंग में इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। अब बात ऑपरेटिंग क्या होती है, जो बिजनेस का मेन काम होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में फंसा पैसा, उसे हम ऑपरेटिंग बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। दूसरी बात करें इन्वेस्टिंग की, जो फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसे हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और फाइनेंसिंग में जो इक्विटी एंड लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज में पैसा लगा होता है उसे दोस्तों हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, हर एक बिजनेस के लिए, हर एक स्ट्रक्चर के लिए हम अपनी बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना चाहें तो बड़ी इजीली कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सॉरी माफ कीजिएगा। उसके बाद दूसरी बात करूं दोस्तों, इसके दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड, कि आप सीधा सीधा बता दें, एक है आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये दोस्तों टोटली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करना, हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे, एक वीडियो और लेंगे इसके फॉर्मेट को समझने में, उसके बाद दोस्तों धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। आपको पूरे का पूरा कैश फ्लो सीखने के लिए सभी वीडियोस में हमारे साथ चलना होगा, आप बहुत इजीली सारे की सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और कोई भी अगर डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7837724186 पर हमें कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों, इसके सेकेंड पार्ट में मिलते हैं।